तिथे प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची महाविकास आघाडीसोबत जगावाटपावर चर्चा सुरू होती मात्र आता ही बोलणी फिसकटलं असल्याचं स्पष्ट झालं आहे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी अखेर आज आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली वंचित बहुजन आघाडी नागपूरमध्ये भाजपाचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात काँग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा देणार असल्याचं प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर केलं त्याविषयी सांगली लोकसभेच्या जागेवर ओबीसी बहुजन पार्टीला पाठिंबा देणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो जरांगे पाटिल और उनके संगठन के साथ का मेलजोल जो है क्योंकि मैं समझौता नहीं कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने कोई पार्टी बनाई नहीं है ना बनाना वो चाहते हैं इसलिए ये जो सामाजिक गठबंधन हो रहा है जिसको हम लोग एक राजनीतिक आयाम देने जा रहे हैं लोग इसको स्वीकारेंगे पहले फेज के जो उम्मीदवार है वंचित के जो है उनका समर्थन जरांगे पाटिल का है तीस तारीख को जो है उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से अपने लोगों के माध्यम से इलेक्शन में किस किस तरह हिस्सा लेना और उसमें क्या भूमिका लेना इस पर जो लोगों से राय मांगी है इसलिए उन्होंने कहा कि तीस तारीख तक अपन इसका फैसला ना करें तो अच्छा है उस बात को हम लोग ने मान लिया है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर दस जो नागपुर की है उस नागपुर के कॉन्स्टिट्युंसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका समर्थन हम लोग कर रहे हैं एबीपी मासा उगड़ा डोले बघा नीट